सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो गाइस, आज हमने एक XUV 500 ओ में पूरा यहाँ पे ड्रीम ऑडियो प्रोजेक्ट को गाइस यहाँ पे हमने कंप्लीट करा है। सो गाइस, इसमें हमने बिल्कुल नेक्स्ट लेवल वाली कस्टमाइजेशन करी है अपनी ऑडियो के हिसाब से। एंड XUV 500 था, सो हमने इसमें पाई पूरी अपनी हाई एंड ऑडियो को गाइस हम लेकर आए हैं। सो गाइस, ये भैया के शॉप है पूरा, आप इंटरव्यू देख सकते हो पूरा भाई ओवरव्यू। तो भाई सिर्फ ऑडियो का काम है, ऑडियो लेकिन आपको एकदम ज़बरदस्त करके देंगे भाई। कोई भी कार हो सब में अवेलेबल होगा। सो ये हमारे साथ चंदू भाई है। चंदू भाई, थोड़ा सा हमको ये बताओ कि ये चीज़ क्या है यार, मैं देख रहा हूँ ये भैया कस्टमर पोर्ट है, पोर्ट्स कहते हैं इसको, जो हम थ्री वे लगाते हैं। अच्छा, या स्पीकर गत्ते पे लगाते हैं। अच्छा, ये सारे मैं खुद बनाता हूँ। किसी को अगर दो स्पीकर चाहिए दरवाजे में वो भी हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। सारे कस्टमाइज मैं खुद अपने हाथ से बनाता हूं। अच्छा, जैसे ये अपना XUV में लगा हुआ है, बाकी आपको इस वीडियो में आगे दिख जाएगा इसमें XUV में जैसे लगा हुआ है। ठीक है। सो चंदू भाई, ये बताओ यार आपको कितना टाइम हो गया, मतलब एक्सपीरियंस है। दुकान खुला हुआ तो मुझे अभी 1.5-2 महीने हुए। अच्छा, और मेरे को इस लैंड का एक्सपीरियंस, ऑडियो का एक्सपीरियंस 15 साल की है। 15 साल स्टार्टिंग ऑडियो से किया। अच्छा। आप छोटी गाड़ी करो, बड़ी गाड़ी करो, कोई भी करो, मैं 30-40 हज़ार से स्टार्टिंग, मैंने 15 लाख तक के ऑडियो लगा रखा हूँ। अच्छा। वो भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है। तो भैया, अगर आपके पास कोई बंदा स्विफ्ट लेके आता है या बड़ी फॉर्च्यूनर, कोई भी सामने काम लेके आया, मर्सिडीज लेके आया, रेंज रोवर लेके, कोई भी गाड़ी लेके आते हैं, तो कस्टमर को काम में कोई दिक्कत नहीं आएगा, कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है। सो गाइस देख लो यार, भैया का एकदम पॉजिटिव माइंड सेट है, काफी जबरदस्त वाला काम करना भी इस XUV में। और कुछ कहना चाहोगे भी हमारे व्यूअर्स को? भैया मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा मतलब ऑडियो के अंदर शौक है, जो भी काम करता हूँ, जो छोटी गाड़ी लो बड़ी गाड़ी लो, सबसे बड़ी वायरिंग होता है, वायरिंग के अंदर बहुत एक्सपर्ट काम करता हूँ, मतलब कोई वायरिंग आपको दिखेगी नहीं, सारे केबल टाइप से बांध के जहाँ जैसे कंपनी फिटर देते ना वायरिंग, सेम उस वायरिंग करके देता हूँ। तो भाई बिल्कुल OEM टाइप फिटिंग आने वाली आपको भी ऐसे अगर आप काम कराते हो तो। जैसे कई गाड़ी में अर्थिंग आती है, कोई हॉर्न की आवाज आती है, टिक टाक, ऐसे कुछ दिक्कत नहीं आएगा कोई गाड़ी में। ठीक है। सो गाइस, भैया ने यार आपको बता दिया अपनी शॉप के बारे में, एक बार जरूर से आना। बाकी आपको एक फ्लैश हो रहा होगा नंबर, भैया का नंबर, आप उसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो अगर आपको कभी क्वेरी है। तो अपनी XUV की तरफ चलते हैं भाई। आप XUV 500 अपनी क्या क्या काम हुआ इसमें, आप आगे आपको वो दिखा देते हैं वीडियो में। तो भैया हमें ये बताओ, आज की इस XUV में हमने क्या क्या काम करा यार, ये बता दो थोड़ा। भैया फ्रंट जो है इसकी SL3BS ऑनलाइन रेनबो, ठीक है, जर्मन की है, जर्मन सीरीज रेनबो में लगी अपनी। हाँ, थ्री वे कंपोनेंट्स लगे गए इस फ्रंट में अपने। बाकी आप ट्विटर देख सकते हो, हमने पूरा ये वाला जो है ये होता है इसको पूरा हमने कस्टम करा है। ठीक है। एंड भैया अपने एम्पलीफायर कौन सा लगा इसमें? एम्पलीफायर रेनबो को 4 चैनल है, और जो रियर है, रियर मैंने SL2BS ऑनलाइन कंपोनेंट लगाया, वो पीछे दरवाजे में पीछे। ठीक है, ये रियर में। बाकी गाइस मैं आपको इस बार इस एम्पलीफायर दिखा देता हूँ, एक अपना इधर एम्पलीफायर लगा हुआ है गाइस, एक अपना ये प्रोसेसर है Bit 1 ऑडिशन का। ठीक है। एंड गाइस अपना एक यहाँ पे रेनबो का इसमें हमने एम्पलीफायर लगा, जो कि अपना ड्रीम 4100 वाला होने वाला है। सो भैया हमने वूफर भी इसमें ऐड करा, वूफर कौन सा लगा हुआ है एक बार वो बता। वूफर जेल ऑडियो है, मोनो भी जेल ऑडियो है, ये XUV 500 में सारे SQ सेटअप किया मैंने, पूरा SQ सेटअप, मतलब लाउड सेटअप इसको चाहिए होता है। हां बिल्कुल, SQ सेटअप है। ठीक है। क्वालिटी की आती है, मतलब कि लाउडनेस कम होते हैं लेकिन बहुत अच्छे बजते हैं, अच्छी क्वालिटी का आवाज आती है। ठीक है। सो गाइस अभी आपको मैं इसकी ऑडियो भी सुनाऊंगा, एंड बाकी हम डिटेल में आपको एक बार बता देते हैं हमने क्या क्या काम करा। ये बताओ कि मतलब एक अच्छी वायर को यूज करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं? स्टिंगर मतलब कॉपर वायर यूज करने का ये तरीका है कि जैसे कि आप कोई CC कॉपर वायर डालते हो तो कल को मॉइस्चर हो जाता है, मिट्टी हो जाता है, तारे खराब हो जाती है। ठीक है। जो कॉपर वायर है 10-5 साल कहीं नहीं जाती आपकी, एक तो आवाज अच्छी आती है और कहीं कभी दिक्कत नहीं आएगी आपकी गाड़ी के अंदर। सो गाइस भैया यही कह रहे हैं, मतलब जैसे अगर आप लोकल लगवाते हो तो क्या है, मतलब थोड़ा टाइम बाद वो खराब होने लग जाती है, मतलब उनका फ्यूज वगैरह खराब हो जाता है, लेकिन अगर आप कॉपर लगवाते हो तो उसकी काफी टाइम तक वारंटी भी रहती है, एंड मतलब काफी अच्छी रहती है आपकी कार के लिए। सो भाई वन टाइम मतलब आप वन टाइम एकदम पे करते हो भाई वायर के लिए, तो भाई एक अच्छी वायर में पे करना मस्ट होता है। तो बाकी भी अब आपको एक बार इसके बारे में बताते हैं, एंड एंड्रॉइड प्लेट तो अपना कंपनी वाला ही है। हाँ, कंपनी फिटेड है। ठीक है। एक बार भी आप हमारी डैम्पिंग शीट दिखा दो कि कौन सी हमने लगाई है, पूरी कार डैम्प हुई है भैया? फ्लोर भी है, फ्लोर डोर और फ्लोर है, छतनी करी। अच्छा, पूरा अपने फ्लोर एंड जो डोर है सारे गाइस डैम्प करे। सो आपको अभी मैं इसकी डैम्पिंग शीट दिखा देता हूँ। सो गाइस अभी हम इसके डिक्की में आ चुके हैं, एंड आपको मैं दिखाता हूँ भाई अपने जोन से डैम्पिंग इसमें यूज करी है। सो भाई बिल्कुल काफी प्रीमियम एंड एक्सक्लूसिव डैम्पिंग है। सो रेगुलर डैम्पिंग से इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। सो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ आप इसकी तरफ जाओ भाई। डोर में मिनिमम एक लग जाती है, 2-3 जितनी आप चाहो उस हिसाब से लगवा सकते हो। बाकी हमने इसमें जो नीचे का फ्लोर होता है वो है, एंड साथ में चारों डोर्स में गाइस इसमें हमें AA डैम्पिंग करी है। तो ये हमारी गोल्ड डैम्पिंग है पूरी। एंड गाइस इधर अपना GL ऑडियो का इसमें वूफर लगा हुआ है एनक्लोजर के साथ। सो चंदू भाई हमको थोड़ा सा बताओ डैम्पिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं, एंड थोड़ा सा इस डैम्पिंग के बारे में बता दो मैं भी। डैम्पिंग डॉक्टर आर्टेक्स गोल्ड है। ठीक है। ये 2.6 mm है,
ठीक है, थिकनेस इसके मोटे होते हैं। अच्छा, जितने आप मोटे थिकनेस लगाते हो गाड़ी के हैवीनेस मतलब हैवी डोर हो जाते हैं। ठीक है, मतलब हैवी डोर से क्या होता है कि आपका छोटे मोटे डेंट नहीं आते हैं, जो स्पीकर की क्वालिटी है बहुत बेटर हो जाते हैं, साथ में बाहर से आवाज कम हो जाता है। रोड नॉइज तो बिल्कुल ही आपको मतलब समझ लो 50% का फर्क पड़ता है। अच्छा, जो स्पीकर की वॉइस है जो आवाज है उसमें आपको क्वालिटी में बहुत फर्क आ जाता है, डोर की क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है। और ठीक है, और कितने सीट लगते हैं? सीट एक लेयर तो लगते हैं जो बाहर की साइड आपके, ठीक है, एक लेयर लगेंगे बाहर कवर करने के लिए। आप जो थ्री लेयर है वो गत्ते पे लगते हैं, जो डोर है डोर के पार्ट वो भी कहीं खनखन आवाज आती है हम डोर पे लगाते हैं। इसमें कितनी लेयर लगी भैया? इसमें थ्री लेयर लगे भैया, डोर हर डोर में थ्री लेयर लगे, 12 सीट चार दरवाजे में लगाए हैं। ठीक है, तो भाई एक सीट आपके सामने 12 सीटें लगी है भाई सिर्फ चारों दरवाजे में, बाकी फ्लोरिंग में अपनी अलग। फ्लोरिंग में 15 सीट फ्लोरिंग में की, 15 सीट फ्लोरिंग में। हाँ जी, तो भाई देख लो 15 सीट मतलब 27 अपनी सीट लगी है अपनी डैम्पिंग की, तो भाई कितना फर्क आता है। तो ऑडियो का वो आपको मैं आगे सुनवाता हूँ। सो गाइस, दूसरा वाला एम्प जो मेन होता है वो आपको मैंने दिखा दिया, लेकिन अभी आपको मैं एक बार मोनो एम्प के भी दिखा देता हूँ। सो मोनो एम्प भाई अपने दोनों ही अंडर सीट लगे हुए दोनों एम्प, बाकी प्रोसेसर अपने डैशबोर्ड के इधर लगा दिया है। फ्रंट में हमने इसमें थ्री वे वाले गाइस कंपोनेंट्स लगवाए हैं, एंड बैक में टू वे वाले हैं, एंड काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था भाई। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें हमने GL ऑडियो के GX500 सीरीज लगाई है भाई, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है भाई अपनी। सो ये वाली इसमें हमने एम्प लगाया, बाकी कॉपर वायर इसमें हमने यूज़ करी है पूरी ऑडियो में जो भी अपने काम हुआ है, एंड 27 शीट्स ऑफ डैम्पिंग हमने पूरी कार में यूज़ करी है, जिसमें से 12 गाइस हमने डोर्स में एंड 15 सिर्फ अपने गाइस फ्लोर में इसमें हमने यूज़ करी है। तो चंदू भाई अब अंदर चलता है, एक बार हमारे फिर से यार ऑडियो सुनवाते हैं एंड फ़र्क बताते हैं भाई क्या फ़र्क आता है ऐसी ऑडियो लगवाने से ड्रीम ऑडियो से भाई। ठीक, सो गाइस अभी हम इंटीरियर में बैठ चुके हैं, आपको बस ऑडियो इसकी सुनाने वाला हूं। सो उससे पहले गाइस हमको चंदू भाई उसके बारे में बताना, भैया अगर इसके बारे में बता दो क्या है ये भैया B2N का कंट्रोलर है जिसको हम रिमोट कहते हैं, रिमोट कंट्रोलर गेन होता है, जिससे वॉल्यूम कम भी कर सकते हो ज़्यादा भी कर सकते हो, और इससे मोड भी चेंज होगा कि डायरेक्ट आप ऑक्स से लेके बटन लगा के फोन से भी सुन सकते हैं, अगर यहाँ से फिर मोड चेंज करके जो कंपनी फिट हेड यूनिट है उससे भी सुन सकते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया है यार, मतलब उसी से सारे कंट्रोल आपके पास मिल जाएंगे, आप फोन से भी सुन सकते हैं डायरेक्ट और हेड यूनिट से सुन सकते हैं। ठीक है भैया, जो आप ऑडियो सुनाते हैं भैया फटाफट से। सो भाई ऑडियो का रिस्पॉन्स आपको कैसे लगा मुझे कमेंट्स में भाई जरूर से बताना, कि भाई मैं अंदर बैठा था मेरे को पर्सनली फील हुआ कि भाई हाँ एक थंप है भाई। एक तो ये जो डैम्पिंग यूज़ कर रही है ना वो काफ़ी अच्छी है, मतलब बाहर की बिल्कुल नॉइज़ नहीं आ रही, एंड जो साउंड की क्लैरिटी होती है वो काफ़ी बढ़िया आ रही है। एक जो वूफर की भी वूफर जो गाइस बेस भी काफ़ी अच्छा आ रहा है, तो ओवरऑल गाइस मैं बिल्कुल 10 out of 10 भाई एकदम सजेस्ट करता हूँ ऐसी ऑडियो को, मुझे पर्सनली बताओ तो काफ़ी अच्छी लगी। तो चंदू भैया यार आपको ये काम करने में मतलब कितना टाइम लग गया एक बार ये बता दो हमारी व्यूअर्स को। भैया मुझे इस गाड़ी को बनाने में 2 दिन लग गए, 2 से 3 दिन लग गए। हाँ जी, तो भाई बिल्कुल तसल्ली से काम कर रहे हैं भैया ने, कोई भी जल्दबाजी नहीं करी। तो मैं भी आपको सजेस्ट करता हूँ यार अगर आप भैया के पास आ रहे हो तो भाई टाइम निकाल के आना, तसल्ली से एकदम आपको बढ़िया काम करके देंगे, कोई जल्दबाजी वाला काम नहीं करेंगे। तो चंदू भैया मेरे को भी यार आपका ये वाला काम बहुत बढ़िया लगा, हैट्स ऑफ टू यू आर भैया। सो यही था हमारी आज की वीडियो में गाइस, मिलते हैं सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले भाई एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर टुडेज वीडियो। एंड गाइस ड्रीम ऑडियो पे जरूर से आना यार, भैया को अपना प्यार जरूर दिखाना, बाकी आपको जितना भैया की शॉप की डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएंगी, बाकी स्क्रीन पे आपको भैया का पर्सनल नंबर फ्लैश हो रहा होगा, आप कोई भी क्वेरी जो है आप इनको कॉल करके जो है पूछ सकते हो।